अल्मोड़ा की चौंकाने वाली घटना जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्मोड़ा में आजकल तेजी से महिलाओं के गायब होने की खबरें सामने आ रही हैं और ये खबरें एक या दो नहीं बल्कि कई हैं। इससे अल्मोड़ा के लोग चिंतित तो हैं ही, साथ ही प्रशासन भी गंभीर हो चुका है और ये मामला पहुंच चुका है महिला आयोग तक। जिले के भिक्यासैंण के विभिन्न गांव से लगातार महिलाओं के गायब होने को महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति साह मिश्रा ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने इन घटनाओं को चिंता का विषय बताते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह से वार्ता की और त्वरित कार्रवाई करने को कहा। बताते चलें कि तीन दिन पहले जिला के थाना भतरौज खान में ग्राम दनपो निवासी आनंद राम ने अपनी पुत्रवधु के दो बच्चों के साथ गायब होने की सूचना दी है। आनंद राम के अनुसार 4 अगस्त को निकली बहू मायके नहीं पहुंची। मामले में गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। वहीं दो दिन पहले नैनीसेरा निवासी एक पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पटवारी क्षेत्र रापड़ में दर्ज कराई है, उसका भी अब तक पता नहीं लग पाया है। इसी तरह 3 माह पूर्व पटवारी क्षेत्र सिनौड़ा की एक महिला लापता बताई जा रही है, जो भतरौज खान में अपने दो बच्चों के साथ स्कूल पढ़ाने के लिए कमरा लेकर रहती थी। उसकी गुमशुदगी स्वजनों ने लोक लाज के डर से नहीं लिखाई। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं व लड़कियों के गायब होने की घटना को चिंताजनक बताया है। इधर अल्मोड़ा की डीएम वंदना सिंह ने आयोग के उपाध्यक्ष को आश्वस्त किया है कि इस प्रकरण की शीघ्र जांच करवाई जाएगी। इस मामले में कोई भी लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं बरती जाएगी। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ जंक्शन 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें।